हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आइए आज जानते हैं घरों में लगाए जाने वाले एक और नए प्लांट के बारे में, जिसका नाम है टिकोमा। इसे बेल ऑफ फायर या टिकोमा वाइन, ट्रम्पेट वाइन कई नामों से जाना जाता है। इसको आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये गेट या फिर गैलरी को डेकोरेट करने के लिए आप लगा सकते हैं। ये क्रीपर है, तो इसको चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। टिकोमा की कटिंग आप फरवरी से नवंबर तक कभी भी लगा सकते हैं। ये विंटर में थोड़ा सा डोरमेंट हो जाता है, लेकिन फरवरी से इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और पूरी गर्मी फ्लावरिंग आती रहती है। ये प्लांट मैंने अपने फार्म के एंट्रेंस पे लगाया हुआ है। जहाँ भी इसकी रूट्स फैली हुई हैं, वहाँ पे नए प्लांट्स बन गए हैं। इनको निकाल के मैं ग्रो बैग में या पॉट में डाल देती हूँ और नए प्लांट्स बन जाते हैं। इसके प्रोपोगेशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, तो मैं एक डिटेल वीडियो इस पर ज़रूर बनाऊँगी। फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको जानकारी मिलती रहेगी। अभी के लिए नमस्कार।